गोंदियाच्या शासकीय महाविद्यालयातून एका रुग्णाला 108 रुग्णकेने नागपूर येथील मेडिकल कॉलेज येथे घेऊन जात असताना गोंदिया जिल्ह्याचे गोरेगाव तालुक्यातील तुमखेडा येथे चालत्या रुग्णवाहिकेच्या अचानक मागचा चाक निघाल्याची घटना घडली आहे। अपघातानंतर रुग्णवाहिका तब्बल 100 मीटर पर्यंत 3 चाकावर चालत गेली। विशेष म्हणजे रुग्णवाहिकेतील 62 वर्षीय जनीराम कांबळे हा ऑक्सिजन लावलेला रुग्ण होता। इतर 4 लोक तर 1 चालक 1 डॉक्टर बसून होते। नशीब बलवंतर होते म्हणून मोठा अपघात झाला नाही, काही जीवंत हानी झाली नाही। दरम्यान 1 तासानंतर दुसरी रुग्णवाहिका घटनास्थळी आल्याने रुग्णाला नागपूरला पाठविण्यात आले। तुमखेड़ा में अभी एक एम्बुलेंस का टायर निकल गया, चलते हुए एम्बुलेंस का, क्या आपने एक एम्बुलेंस अरेंज करके दी थी, क्या बताएं? नगर पालिका के फायर डिपार्टमेंट में हमारा कामड़े करके कर्मचारी जो कंट्राती बेस पर है वो गत पिछले 5 वर्षों से नगर पालिका के फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने के बाद 4-5 दिन से उसके पिताजी के केटीएस में एडमिट थे। अचानक उसने मुझे फोन करके कल बताया कि भैया 108 के एम्बुलेंस की मुझे जरूरत है, पैसे की बहुत कमी है। लेकिन 108 के एम्बुलेंस के लिए मैंने सीएस साहब को, डीन साहब को कंटिन्यू फोन लगाने के बाद उन्होंने ये बताया कि तीनों एम्बुलेंस नागपुर गई है। नागपुर होने के बाद सुधरे, फिर वो कामड़े का फोन आया कि भैया सुधरे कैसे भी करके एम्बुलेंस का जुगाड़ करके दीजिए। मैंने आज सीएस साहब को बात कर एम्बुलेंस का व्यवस्था 2.5 घंटे के बाद में हुई। वहाँ पर जो मुझे ये बताया गया कामड़े की तरफ से कि भैया उसका ऑक्सीजन जो है वो लीकेज है, फिर भी मैंने कैसे भी करके लेके जाओ, रास्ते में जो भी है अपन समझ लेंगे करके। यहाँ पर आने वाले कामड़े का मेरे को फोन आया कि भैया गाड़ी का एक टायर ही निकल गया। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि शासन जब इनको पूरे मेंटेनेंस का इतना पैसा देती है, जब गाड़ी पूरी सुचारू रूप से अगर ठीक हो तभी गाड़ी को आगे निकालना चाहिए। ऐसे में पेशेंट चलो ठीक है सीरियस रहता तो आज तो पेशेंट यहाँ बसता क्या? इतना मेंटेनेंस का पैसा गाड़ी के लिए आता है, फिटनेस पूरा चेक किया जाता है तभी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है। इन्होंने तो गाड़ी को ऐसा लाए और रवाना कर दिए, तीनों चार गाड़ियों के नागपुर घूमती रहती है। कल पेशेंट मर जाता, कुछ हो जाता, कम ज्यादा हो जाता, उसकी जरूरत। गाड़ी के अंदर में पेशेंट के साथ में उसके परिजन 4 लोग, ऐसी कुल मिला के 5 लोग थे। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा रहती और गाँव के बाहर रहती ये गाड़ी के बड़ी घटना हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन रहता? ये पूरी जिम्मेदारी शासन के ऊपर में, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिए उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी जाती है। काय सांगणार, एम्बुलेंस कुठे जातो, कुठून निघाले होते, कुठे जातो? केटीएस वरून आम्हाला मेडिकलला रेफर केलेलं आहे डॉक्टरांनी। कुठे? पेशंट मेडिकल कॉलेजला नागपूर। काय झालं, निघाले होते? त्यांना लंग्समध्ये पाणी भरलेलं आहे आणि त्यांचं हार्टवर सुरू झाले आहे आणि कालपासून आम्ही ॲम्ब्युलन्स मागत आहे ना, ॲम्ब्युलन्स ही अशी अवेलेबल केलं की ती आज एक धोक्याचीच आहे एक प्रकार, आमचाही जीव गेलेला असतात। काय झालं, घटना काय झाली? चालता गाडी चालतानी गाडीचे चाकर टायर निघून गेले आहे आणि कमीत कमी 100 फूट लांब दूर गेलेला आहे। घासत गेली गाडी? घासत गेलेली आहे सर, आम्हाला घाबरून सुटलो आम्ही। मोठी हानी होता होता, मोठी हानी तर आमचा जीव गेला असता, ॲम्ब्युलन्सोबत आमचा जीव सुद्धा गेलेला। काय मागणी आहे प्रशासन? काय प्रशासन मग काय सर, कमीत कमी गाडीचं बरोबर मेंटेनन्स करायला पाहिजे आणि पेशंटसाठी असं जीव घेणारे असे प्रसंग घडायला लोक पाहिजे म्हणून तत्परता बाळगायला पाहिजे। आवाज टीव्हीसाठी राजेश कुमार तायवाडे, गोंदिया।